प्रदेश पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। धूमगंज पुलिस थाने के SHO राजेश मौर्य ने बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही थी। चाकिया में स्थित घर के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया था। शाइस्ता यही रहा करती थी। उन्होंने बताया कि अतीक अहमद का पैतृक घर ध्वस्त करने के बाद उसकी पत्नी और बेटा इसी घर में रहते थे। हालांकि उमेश पाल की हत्या के बाद इस घर को भी ढा दिया गया था। इस घर की बची हुई दीवारों पर सोमवार को नोटिस लगा दिया गया। SHO मौर्य ने बताया कि भगोड़ा घोषित करने के बाद ही अगर शाइस्ता परवीन ने सरेंडर नहीं किया तो उसकी संपत्ति कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी। उमेश पाल 2005 में हुए BSP विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था। इस साल 24 फरवरी को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मार करके हत्या कर दी गई। शाइस्ता परवीन को तो भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और अब पुलिस गुड्डू मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित करने की तैयारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध है। गुड्डू मुस्लिम पर 5,00,000 रुपए का इनाम है, लेकिन पुलिस अब तक उसका सुराग नहीं लगा पाई। आपको बता दें कि भगोड़ा घोषित करने के बाद क्या होता है। CRPC की धारा 83 के तहत अदालत चाहे तो भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकती है। अब आपको बताते हैं कि ऐसे आरोपियों के पास क्या विकल्प होता है। किसी आरोपी को भगोड़ा घोषित किए जाने के 30 दिन के भीतर उसे सरेंडर करना होता है। इसके अलावा आरोपी उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन उसे 30 दिन के अंदर ही अपील करनी होगी। सभी मामलों में आरोपी को भगोड़ा घोषित नहीं किया जाता है। सिर्फ उन्हीं मामलों में ऐसा किया जाता है जब आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया हो या बार बार नोटिस मिलने के बावजूद वो सरेंडर नहीं कर रहा हो। CRPC की धारा 82 के तहत गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया जाता है, जैसे हत्या, हत्या की कोशिश जैसे अपराध शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VRTV उत्तर प्रदेश।